एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के पटेरा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले हाई स्कूल ग्राम हमजगुआ पतोल में काफी समस्याएं हैं। यहां पर बच्चों को पीने के पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। दरअसल यहां पर एक हैंडपंप लगा हुआ है, लेकिन उसके आसपास काफी गंदगी फैली हुई है। रास्ते में जगह जगह पानी भराव है, ऐसे में दूषित जल पीने के लिए बच्चे मजबूर हो रहे हैं। मालूम हो कि हैंडपंप के आसपास दूषित जल होने से काफ़ी ग्रामीण अंचलों में लोगों को दिक्कतें हुई हैं, उल्टी दस्त के प्रकोप के शिकार हुए हैं, साथ ही डायरिया इत्यादि की समस्या हुई है। ऐसे में स्कूल के बाहर लगा यह हैंडपंप और आसपास फैला पानी बच्चों को बीमार कर सकता है। वहीं शाला के प्राचार्य का कहना है कि यदि यहाँ पर बिजली की स्थायी व्यवस्था हो जाती है तो बोर डाल करके पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी का भराव होने से काफ़ी दिक्कतें बच्चों को हो रही हैं, वे दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं अन्य समस्याओं से भी यहाँ के बच्चे जूझ रहे हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए अमर सेन की रिपोर्ट। सर क्या नाम है? श्यामाचंद खेरा, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बजुआ। सर विद्यालय में अव्यवस्थाएँ हैं, उसके बारे में क्या पत्राचार किया है, क्या संबंधित जानकारी बताएं? हमने विभाग को भी पत्र किया है, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास शिक्षा अधिकारी को, विद्युत विभाग को भी पत्र दिया, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव, पीटीए का प्रस्ताव भी माननीय विधायक महोदय को भी प्रस्तुत किया। जैसे पानी की भी समस्या है, विद्युत की भी समस्या है, के लिए हैंडपम्प लगा हुआ है जी, क्योंकि यहाँ विद्युत व्यवस्था स्थायी व्यवस्था है नहीं। जैसे ही विद्युत व्यवस्था स्थायी होती है तो पानी की सबमर्सिबल मोटर डाल करके स्थायी व्यवस्था की जाएगी। और सर कुछ शिक्षक जो विलम्ब से आते हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है? वैसे कभी कभार एक दो ही शिक्षक ऐसे विलम्ब से आते हैं, लेकिन लगभग शिक्षक उपस्थित रहते हैं और सभी अपने जन्मदिन से लेकर के सभी गतिविधियों में सहभागिता देते हैं।